Hey guys, this is JJ. Welcome and welcome back to Rolling Gypsy. तो क्या चल रहा है? होप अच्छा चल रहा होगा, जो भी चल रहा होगा. आज है हमारे पास काफ़ी स्पेशल बाइक RX 135 है ये, और देखने में नहीं लग रही होगी आपको, जिनको इंजन की जानकारी है वो पहचान पा रहे होंगे. स्टेज 2 ट्यून्ड है ये मोटरसाइकिल. इसमें बिग बोर इंजन लगा हुआ है, और जो इसका कार्बोरेटर वगैरह, फिल्टर, सब कुछ इसमें, ब्रीदर इनटेक, एयर इनटेक वगैरह सब कुछ चेंज्ड है. तो इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर डेटा, लेट्स गेट टू द वीडियो. की अगर बात करें तो बहुत ही सुंदर और एग्रेसिव लुक्स हैं बाइक के. ये 06 की ब्रांडिंग आपको हर जगह देखने में मिल जाएगी. और जो मतलब पीछे से यहाँ से एक जो स्ट्रिप सी निकल के आती है, आप देख रहे होगे कि हेडलाइट से लेके और ये पूरा एक ही लेवल पे है, तो ये चीज़ देखने में बहुत ही अच्छी लगती है. दोनों टायर्स जो हैं इसके रिम में जो हैं कलर किए गए हैं रेड कलर से, जो इसके थीम को मैच कर रहे हैं, और रेड कलर की थीम से इसका फिल्टर जो है वो भी मैच कर रहा है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है. तो लुक्स के मामले में तो साइड से पीछे से भी आप देख सकते हो बिल्कुल नेकेड डिज़ाइन है. जो शॉकर्स इसमें आते थे वो शॉकर्स इसमें नहीं है, इसमें शॉकर जो है अपग्रेडेड किए हुए हैं. इस साइड से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो कार्बोरेटर से ऑन ऑफ और रिजर्व करने के लिए यहाँ पे अलग से की दी हुई है. इग्निशन की अगर बात करें तो इग्निशन के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक की देखने में मिलेगी. इग्निशन है बेसिकली, यहाँ पे आपको कोई मीटर कंसोल या स्पीड और डिटेल्स वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मेन मोटिव रखा गया है इस बाइक को बनाते हुए वो रखा गया है कि इसका वेट कम से कम रखना है. आप देख सकते हो कि इसमें जितने भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं वो सारे निकाल दिए गए हैं. वही चीज़ जो है वो इस बाइक के लुक्स को और जानदार बना देती है. बात करते हैं कि बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए गए हैं. तो फ्रंट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इसकी हेडलाइट वगैरह, जो मीटर कंसोल है, वो सब रिमूव किया गया है. यहाँ पे एक पत्तियाँ दिख रही होंगी आपको, इन पत्तियों से ये फ्रंट जो प्लेट है वो कनेक्टेड है. यहाँ पे यामा और 06 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी. ये जो मडगार्ड है, जो इसका ओरिजिनल बड़ा सा मडगार्ड होता था, वो भी रिमूव किया गया है, और इसकी जगह ये शॉर्ट और स्टडी मडगार्ड लाया गया. ये हल्का भी है काफ़ी, एक्चुअली मेटल नहीं है ये, फाइबर है, तो इसके वेट रिडक्शन में ये भी काफ़ी हेल्प करता है. जो ओरिजिनल अगर स्टॉक आपने देखा होगा तो बहुत ही बड़ा होता है. सस्पेंशन यहाँ पे आपको स्टॉक ही देखने को मिलेगा, लेकिन इसका ट्रैवल थोड़ा सा बढ़िया है. व्हील्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, रेम जो है स्पोक व्हील्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे. इन पे टायर जो है फ्रंट में MRF का लगा हुआ है, 2.75 सेक्शन 18 का टायर यहाँ पे लगा हुआ है. ब्रेकिंग की अगर बात करें तो पिछली ब्रेकिंग तो आपको सेम देखने को मिलेगी जो ड्रम आती थी, लेकिन फ्रंट में आपको डिस्क देखने को मिलेगा. अपाचे की ये डिस्क यहाँ पे लगाई गई है, और कितने एमएम का डिस्क है, अराउंड 280 mm का डिस्क हो गई है. और बाइब्रेक आपको यहाँ पे कैलीपर देखने को मिलेगा, तो ये गोल्ड कैलीपर वैसे देखने में काफी सुंदर लगता है इसके साथ. अब आ जाते हैं इंजन की तरफ. तो ये बिग बोर इंजन है, जो 135cc का पिस्टन है उसको भी और बड़ा किया गया है. यहाँ पे आप देख सकते हो केन का आपको जो है कार्बोरेटर देखने को मिल रहा है. यूनिका यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है. पूरा जो मैकेनिज्म है, इसके एयर इनटेक को बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि बाइक जो है बहुत ज्यादा आरपीएम पे चलती है. अभी मैं आपको आगे जो है बाइक को राइड करके दिखाऊंगा. जो क्लच असेंबली है इसकी वो भी पूरी मॉडिफाइड है, वो भी पूरी चेंज की गई है. जो स्लीव है बाइक की वो भी परफॉर्मेंस वाली डाली गई है. अब ये चेसिस में आप देख सकते हैं, ये चेसिस में जो ये रोड लगी हुई है एक्स्ट्रा लगी हुई है, ये बाइक को और ज़्यादा स्टेबिलिटी देने के लिए एक्स्ट्रा लगाई गई है. एग्जॉस्ट आप यहाँ से देख सकते हो कि एग्जॉस्ट देखने में भी बहुत सुंदर है, और वैसे भी इसकी आवाज़ जो है वो मैं आपको आगे वीडियो में सुनवाऊंगा. कस्टम मेड एग्जॉस्ट है ये इसी बाइक के लिए, और इसकी आवाज़ भाई साहब, मतलब नॉर्मली रोड्स पर चलाना इसको पॉसिबल है नहीं, वैसे भी पॉसिबल नहीं है फॉर सम रीजन. सस्पेंशन की अगर बात करें तो आगे का सस्पेंशन तो स्टॉक है, लेकिन पीछे का सस्पेंशन स्टॉक नहीं है. MIG का मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शो का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा. इसमें प्रीलोड एडजस्टमेंट भी दी गई है, जो कि इसको काफी हेल्पफुल बना देगी और ज्यादा स्टडी होने में. वैसे जो है सस्पेंशन इसका काफी स्टिफ है, काफी टाइम से मैं इसको बाइक को चला रहा हूँ. पीछे की तरफ आपको सेम ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी. जो पीछे का टायर है वो मिशलिन का यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, 3/18 का टायर इसमें डाला हुआ है. फ्रंट और रियर दोनों में ही आपको 18 इंच के स्पोक व्हील्स देखने को मिलेंगे. ये जो एक छोटा सा होल यहाँ पे आप देख रहे हो, ये एक्चुअली स्पीडो का होता था, पर वो अब निकाल दिया गया है फॉर वेट रिडक्शन. इसके अलावा जो स्प्रोकेट है बाइक का वो भी चेंज है, 39 teeth का रोल ऑन का स्प्रोकेट यहाँ पे लगा हुआ है, और बहुत ही बेहतरीन काम करता है ये. गेयर लीवर भी आप देख सकते हो, इसमें पूरा फुल गेयर लीवर जो है वो होता था, लेकिन अब सिर्फ फ्रंट वाला रह गया है, और ये भी काफी अच्छे से काम करता है. अब बात करते हैं बाइक की कुछ स्टॉक डिटेल्स के बारे में. तो RX 135 काफी पॉपुलर बाइक थी अपने टाइम की, और इसका माइलेज जो था वो भी काफी कम था. 132cc का सिंगल सिलेंडर 2-स्ट्रोक इंजन आपको इसमें देखने को मिलता था, जिसका मैक्सिमम पावर आउटपुट जो था वो था 12 HP, जो 4-स्पीड वाली बाइक आती थी हमारे पास जो है वो भी 4-स्पीड है, और 14 HP फॉर 5-स्पीड बाइक. 10 Nm का दोनों बाइकों में आपको टॉर्क देखने को मिलता था. जो लाइट वेट था इस बाइक का 106 kg स्टॉक बाइक का, अब आप सोच सकते हो इसमें से कितना वेट तो रिड्यूस कर दिया गया है, ऑलमोस्ट 90 kg जो है इसका बाइक का वेट आ चुका है. जो स्टॉक वेट है इसका सिर्फ 106 किलो रहता था, और उसके बाद जो पावर टू वेट रेशियो निकल के आता था वो बेस्ट इन क्लास था उस टाइम पे.
जो माइलेज से इसकी बाइक की वो 25 km/h के अराउंड थी, और अब तो इसकी और ज्यादा कम हो गई है क्योंकि इसको बिग बोर कर दिया गया और बहुत सारी चीजें जो है इसमें मॉडिफाइड कर दी गई है। जो क्लेम टॉप स्पीड थी बाइक की उस टाइम पे वो 110 km/h से 125 km/h तक थी। अब इसमें तो स्पीडोमीटर है नहीं तो टॉप स्पीड टेस्ट हम कैसे करें, लेकिन आई कैन मेक यू अश्योर कि कोई भी RX 135 या 100 जो भी अभी मार्केट में स्टॉक अवेलेबल होंगी उनसे काफी तेज है ये। मतलब सीरियसली आपको चौथे गियर में भी बिल्कुल ही पीछे की तरफ फेंकती है, जो इसका फाइन ट्यूनिंग करी हुई है, जिस हिसाब से ट्यून करी हुई है, तो हाई आरपीएम पे इसकी जान जो है और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दैट्स अ वेरी इंप्रेसिव थिंग। कोई डिस्प्ले या एबीएस इसमें नहीं देखने को मिलते थे, दोनों आपको ड्रम ब्रेक इसमें देखने को मिलते थे, इंजन भी आपको मैंने बता ही दिया। सस्पेंशन इसमें पीछे आपको अलग जो है जो पूरा ऊपर से कवर्ड होता था, ऐसे गैस चार्ज जो है कैनिस्टर वो नहीं मिलते थे। और भी काफी सारी चीजें थी जो बाइक को इसको बहुत ही पॉपुलर बना रही थी उस टाइम पे। एक तो इसका मल्टीपर्पज होना, बाइक में पावर बहुत ज्यादा थी लेकिन इसको आप फैमिली बाइक की तरह भी यूज कर सकते थे, स्ट्रीट रेसिंग के लिए, ड्रैग रेसिंग के लिए, वट एवर इट इज। मतलब अभी भी मैं देखता हूँ इतनी सारी RX 100 जो है देहरादून शहर के अंदर अभी भी रोडों पे चल रही है और लोग उनको डेली यूज़ में ले रहे हैं। तो रिलायबिलिटी भी इस बाइक की इतनी अच्छी है कि 20-25 साल के बाद भी लोग आज इसको अपने डेली यूज़ में चला रहे हैं, तो कितनी अच्छी रिलायबिलिटी होगी। ईजी टू मेंटेन है बाइक। हाँ, थोड़ा माइलेज इसका मतलब कम ज़्यादा हो जाता है और अभी पार्ट्स वगैरह भी मिलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन पहले लोग इसको अपने घर पे अपने आप मेंटेन कर लेते थे, तो कोई इसमें इतनी खास सर्विस रिक्वायरमेंट होती नहीं थी। अब तो इस बाइक के पूरे लुक चेंज कर दिए गए हैं, लेकिन पहले जो स्टॉक लुक्स थे इसके वो बहुत ही अलग थे। मतलब पूरी रेट्रो वाली फील दे दी थी ये बाइक। और एग्जॉस्ट साउंड तो भाई इसका इतना एडिक्टिंग है, मतलब आप इतने दूर से ही पहचान लोगे कि हाँ कोई RX 100 या RX 135 जो है बाइक। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियोज रेगुलर देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं जो रिव्यू वाला पार्ट होता है, ये राइड रिव्यू वाला पार्ट जो होता है, वो मैं वॉइस ओवर करता हूँ, क्योंकि गोप्रो का जो है बाइक अडेप्टर नहीं है मेरे पास। और इस वीडियो में जो है वो वॉइस ओवर नहीं करूँगा मैं, क्योंकि भाई बाइक की जो साउंड है ना, मतलब उसके ऊपर वॉइस ओवर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि राइड एक्सपीरियंस तो मैं आपको पहले ही बताया था भाई, बहुत फाइन ट्यूनिंग है इसको। मतलब मैं ऐसे वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है इस बाइक का। जब आप बिल्कुल इनिशियली चला रहे होगी तो बिल्कुल नॉर्मल बाइक की तरह चलेगी, लेकिन जैसे ही आप इसको जहाँ पे आपको लगेगा कि RPM खत्म है, वहीं से इसके असली RPM शुरू होते हैं भाई। और फिर पर मैंने सोचा इस वीडियो में जो है रो वीडियो जो है बिल्कुल रो साउंड के साथ वो डालते हैं।
सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते जी।